श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। आज का पंचांग 21 मई 2022 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शनिवार का दिन है। श्रवण नक्षत्र नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्र के देवता भगवान विष्णु हैं। शुक्ल योग शुभ योग है, मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आज का योग विशिष्ट है। आज के दिन किया गया कार्य आपके लिए मंगलमय होगा। गंडमूल नहीं है, पंचक नहीं है। सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 7:01, राहुकाल 9:30 से 10:30 तक। दिशा सूल आज ईशान कोण और पूर्व दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है, लेकिन यात्रा करना है तो आप दही और गुड़ खा के चंदन का टीका लगा करके आप यात्रा के लिए मुहूर्त निकाल सकते हैं। शुभ रंग आज का शुभ रंग की यदि बात करें, गहरा नीला, जामुनी, आसमानी या रॉयल ब्लू, इंडिगो ब्लू इत्यादि कलर आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों की। मेष राशि लग्न कुंडली के हिसाब से आपके परिवार में जो विवाद समस्याएं चल रही है, आज फिर से संबंधों की पुनर्स्थापना होगी, समस्याओं का समाधान होगा। बच्चों को लेकर के खुशी का वातावरण, कोई और प्रसन्नता का समाचार आपको मिल सकता है। नौकरी या दफ्तर में आज संघर्ष करना पड़ेगा, विवाद होगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई व्यक्ति आपके लिए षड्यंत्र जरूर कर रहा है, लेकिन आप अपने काम में कोई कमी मत रखिए, सतर्कता बरतिए, मेहनत से काम कीजिए, आप सफल होंगे। जो लोग नई नौकरी या ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए विघ्न बाधाएं आने वाली है। बाकी अपने भविष्य की योजनाएं बनाइए, सफलता की संभावना है। व्यापार स्थिर रहेगा, स्थिर बाजार रहेगा, शेयर मार्केट में निवेश ना करें। वृषभ राशि गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में नया परिवर्तन होगा और पति पत्नी के बीच नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, नया रिलेशन, नया चीज़ों का शुरुआत कर सकते हैं, नए विचारों का संकल्प कर सकते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। जो लोग घर बदलना चाहते हैं, मकान बदलना चाहते हैं, घर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, आज विचार करें, आपका कार्य प्रशस्त होगा, आज उनकी रुकावट समाप्त होगी। घर में परिवर्तन लाइए, घर को स्वच्छ रखिए, क्योंकि घर को साफ सुथरा रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और उससे ग्रह गोचर विपरीत दिशा में हो तो अनुकूल हो जाते हैं। गंभीरता पूर्वक काम कीजिएगा, लापरवाही नहीं। महिलाएं आज मनोरंजन और क्रिएटिविटी में अपना समय व्यतीत करें, योजनाबद्ध तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएं, थोड़ा डेवलपमेंट की प्लानिंग करें। सरकारी तंत्र में लोग आपके प्रति षड्यंत्र तो करेंगे, लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगा, आप विनम्रता से पेश आइए, धैर्य के साथ अपने कार्य का निर्वहन कीजिए। मिथुन राशि